नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रेल न्यूज और मैं हूं जोगराज। तो प्यारे दर्शकों, अभी मैं बरवाल व्यस्त की जो पंचायत है वहां पे हूं, और इस समय जो ये दुकानदार जो मंडल है वो काफी परेशान है इस लॉकडाउन के टाइमिंग को लेकर, काफी परेशान हो चुका है। इस तरीके से हमें दुकानदारों के कॉल्स वगैरह आ रही हैं, तो दर्शकों मैं इन दुकानदारों से आपकी बातचीत करवाता हूं कि किस वजह से ये लोग जो है बार बार कॉल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि परेशानी क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवेश जसरोटिया। प्रवेश जी, बरवाल वेस्ट। प्रवेश जी, ये मुझे पंचायत जंडोर। जी जी जी, बताइए कि जो लॉकडाउन का टाइमिंग है सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक, इस टाइम पर आप क्या खुश हैं, क्या कहना चाहते हैं? टाइम तो ठीक है, जो टाइमिंग गवर्नमेंट ने निकाली है एकदम सही है, लेकिन इसका अगर कड़ाई से पालन हो तो कुछ दुकानदार जो है खोल के बैठे हैं, कुछ अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, उसका क्या फायदा है? अगर सभी एक समान इसका पालन करें तो ये लॉकडाउन जो है ये बेस्ट है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। और इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं अपने व्यापार के बारे में? मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि दुकानदारों को 1 घंटा शाम को भी देना चाहिए, पूरे डिसिप्लिन और पूरे तौर तरीके के साथ जो कि इसका पालन करें। और लोगों को भी परेशानी होती है, कई बार सुबह कोई नहीं ले पाता है सामान तो उसको शाम को याद आती है, तो वो कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम बिल्कुल कोऑपरेट हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार जो बीच में जो दुकानदार हैं वो अच्छे तरीके से इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जी देखिए दर्शकों, जी इनकी ये शॉप है, इनका ये कहना है कि टाइमिंग जो है वो 7 से लेकर 10 बजे है, इसमें हम गवर्नमेंट के साथ हैं, मगर 1 घंटा अगर शाम को मिल जाए तो ठीक है, बाकी इनका कहना है कि हम गवर्नमेंट के साथ ही हैं। तो दर्शकों, मैं अगली दुकान के जो शॉपकीपर हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाता हूं कि इनकी क्या परेशानी है और गवर्नमेंट के साथ ये किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह है। पुष्पिंदर जी, ये आप बताइए मुझे कि जो गवर्नमेंट का लॉकडाउन का जो समय है दुकानदारों के लिए 7 से लेकर 10 बजे तक, ये इसमें आप सहमत हैं कि नहीं है? आपके क्या विचार रहेंगे? देखो, हमने एक सब्जी रखी है, फ्रूट रखा है, सब्जी सब खराब हो रही है, तो नुकसान ही हो रहा है दुकानदार का, जितना भी है नुकसान ही है वाला। तो अभी आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट क्या चाहते हैं, हमें तो बस ऐसे ही कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करना, अभी अब नुकसान ही हो रहा है। आपके बिजनेस में भी काफी नुकसान हो रहा है? काफी नुकसान हो रहा है, 2 साल से कुछ नहीं है, मतलब कोई ग्राहक पैसा नहीं दे रहा, कोई कष्ट कुछ नहीं कर रहा, हम सारे काफी पड़े हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि किस तरह से आप अपने घर का जो है वो गुजारा करते हैं? गुजारा तो चलो हमारा तो थोड़ा बहुत चल रहा है सर्कल, बाकी देखो जो गाड़ी लाते हैं, जो काम कर रहे हैं उनका मुश्किल है, जो जारी लगाते हैं कहीं वो जारी लग रही है तो बेचारे घर पे बैठे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपकी जो दुकान है वो 3 घंटे के लिए खोली जाती है, तो 3 घंटे में जो सेल होती है उससे आपका गुजारा हो जाता है? कुछ नहीं होता गुजारा, क्या होना है। तो अभी आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहते हो? गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं, जहाँ हमारे क्या कुछ थोड़ा कुछ करो हल दुकानदारों के, हमने लिफ्टें बनाई हैं उसमें घाटा पड़ रहा है। आप गवर्नमेंट के आर्डर के साथ सहमत हैं जो लॉकडाउन का टाइम है, सहमत हैं? तो हम सहमत हैं। तो देखिए दर्शकों, जे इनकी दुकान है तो जे सभी दुकानदार कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के डायरेक्शन के साथ हम सहमत हैं। सब्जी का भी काम आपका चल रहा है? हाँ, सब्जी का भी। सब्जी मगर 3 घंटे में कितने आपके पास ग्राहक आ जाते हैं? 3 घंटे में कौन है, कितने ग्राहक आएंगे? मंडी से सामान लाना भी होता है, वो भी टाइम लग जाता है। सुबह चार बजे लेकर 10 बजे के बाद उसके बाद दुकानें बंद हो जाती है। तो देखिए दर्शकों, ये कह रहे हैं कि
मंडी से भी हमने सब्जियां वगैरह लानी होती हैं, वो जब दुकान पे पहुंचती हैं तो 8-2 ऐसे ही बज जाते हैं। बाकी 2 घंटे में कितने ग्राहक हमारे पास आएंगे। और दर्शकों, ये सभी दुकानदार कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, जैसे भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती रहेगी हम उसको फॉलो करते रहेंगे। तो इसी के साथ आप देखते रहिए जेके रियल न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।